एक्सरसाइज 3.4 देख रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी की. पहला क्वेश्चन है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन. इम्पॉसिबल कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. तो पहला देखते हैं, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, यानी कि आप आज कल से बड़े हैं. जी हाँ, बिल्कुल एक दिन बड़े हैं, तो इट इज सर्टेन टू हैपन. दूसरा, अ टॉस कॉइन विल लैंड अप हेड्स अप. एक आपने कॉइन या सिक्का उछाला, उसमें हेड आएगा. तो ये हो सकता है, लेकिन ये सर्टेन नहीं, क्योंकि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों की 50-50% प्रोबेबिलिटी है, आने की चांसेस है. तो इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. अ डाई व्हेन टॉस शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप. एक डाइस होती है जो हम लूडो वगैरह में, सांप सीढ़ी वगैरह में खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक से लेकर वो एक क्यूब होता है, तो उसके छह ही तो फेसेस होते हैं, क्योंकि छह फेसेस होते हैं. तो एक एक जगह एक पॉइंट होता है, दूसरी जगह दो पॉइंट होते हैं, ऐसे करके छह पॉइंट होते हैं. तो जब उसे रोल करते हैं तो एक से छह तक कोई भी वैल्यू आ सकती है. तो इनका ये कहना है, अ डाई व्हेन टॉस्ड, अगर उसे टॉस किया जाए या फेंका जाए तो उसमें 8 आ जाएगा. आ सकता है, इट इज इम्पॉसिबल, नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि 1-6 तक ही वैल्यू आ सकती है. अगला है, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन. द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन. तो जो ट्रैफिक सिग्नल है उसमें अमूमन आपके रेड होता है, ग्रीन होता है और येलो होता है. रेड होता है कि रुक जाइए, ग्रीन होता है कि आइए चलिए, और जो ऑरेंज होता है उसके लिए होता है कि चलिए रेडी हो जाइए, वार्निंग है, रुक जाइए, मतलब ना रुकिए, ना चलिए, ना रुकिए, बट तैयार हो जाइए, बी रेडी के लिए. तो क्या ग्रीन लाइट आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, इट कैन हैपन, लेकिन सर्टन ही है, क्योंकि हो सकता है रेड लाइट आए, हो सकता है ऑरेंज आए. तो आएगी तो जरूर, लेकिन उस समय आएगी, उसी समय आ रही है, ऐसा नहीं, सर्टन ही. टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे. टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे. हो सकता है कल बरसात हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सर्टेनिटी नहीं है. क्वेश्चन 2 में आ गए हैं, देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर्स फ्रॉम 1-6 मार्क ऑन ईच ऑफ देम. एक बॉक्स के अंदर 6 मार्बल है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2? ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसे क्या चांसेस है कि आप निकालें इनमें से एक और दो आ जाए? तो कुल मिला के कितने आपके मार्बल हैं? 6. और दो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1. दो आने, क्योंकि 6 में से एक ही, तो एक में तो दो लिखा है. तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, यानी कि एक एक ही दो एक ही पे लिखा होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय जितनी पॉसिबिलिटी, एक से लेकर 6 तक पॉसिबिलिटी है. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. तो 1/6, यानी कि ये ड्राइंग वन मार्बल की प्रोबेबिलिटी है कि आप दो निकाल सकते. सेम डिस्कशन 5 के लिए लागू होगा, क्योंकि 5 भी एक ही में होगा, तो 5 भी फेवरेबल केवल कंडीशन एक ही है, और कुल मिला के 6 उसके ऑप्शन है, क्योंकि 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, और 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6. क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए हैं, अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट? अब हमने कॉइन लिया, कॉइन में क्या है? हेड और टेल. आपने उसको टॉस कर दिया, तो टॉस क्या है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है? तो आगे की प्रोबेबिलिटी है, या हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से एक चीज आ सकती है, तो 50-50% प्रोबेबिलिटी है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ. तो ये आपकी एक्सरसाइज होगी 3.4. बहुत शुक्रिया आपका.